सो हेलो दोस्तों, की हाल चाल थोड़े सारे दा एक बार फिर तो स्वागत है मेरी एक नवी वीडियो। सो गाइस, जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल पे आप देख के आए होंगे, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे कि विप्रो में एक साल काम करने के बाद आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, कितनी आपको हाइक मिलेगी, है ना, कितना आपका पैकेज चेंज हो जाएगा, कैसे कैसे चेंज होगा, उसका चेंज होने का प्रोसेस क्या है, सबका चेंज होगा या नहीं। तो ऐसे कुछ सवालों के जवाब आप जानने में उत्सुक होंगे कि एक साल का अगर काम करेंगे तो कैसे कितने पैसे बढ़ जाएंगे। तो सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे। तो उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि ऐसी अलग अलग वीडियो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से रिलेटेड, उनमें कितनी सैलरी है, क्या एक प्रोसीजर है, ये सब मेरा एक्सपीरियंस जो मैं अलग अलग स्विच का भी, मैं स्विच की पूरी सीरीज बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी कंपनी स्विच करनी है, तो उसके लिए मैं सर्च कर रहा हूँ अदरवाइज कैसे कर सकते हैं ना, तो उसके लिए भी बहुत स्ट्रगल लग रहा है। वो पूरी मैं अपना एक्सपीरियंस टाइम टाइम शेयर करता रहूँगा। अगर आपको उस एक्सपीरियंस को भी जानना है, अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आने वाले हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, है ना, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक साल में कैसे, अभी जैसे सपोज करिए आप विप्रो में, यहाँ पे मैं किसी भी पैकेज का नाम नहीं ले सकता यार, क्योंकि मतलब इंटीग्रिटी इशू वगैरह होते हैं, तो यहाँ पे मैं कुछ स्पेसिफिकली नहीं बात कर सकता। लेकिन सपोज करिए कि आप जैसे अभी विप्रो में सब कुछ ना इंटरनेट पर अवेलेबल है, सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि जैसे आप विप्रो में, आप प्लेसमेंट हुई आपकी विप्रो में, है ना, आप जैसे अगर स्टार्ट करने वाले हैं विप्रो में, आपने ज्वाइनिंग की, वो आप अपना कोई भी पैकेज मान सकते हैं, चाहे वो 3 लाख का हो, 4 लाख का हो, जिस भी पैकेज पे आप प्लेस हुए हैं, क्योंकि आप विप्रो में भी अलग अलग जॉब पोस्ट के लिए अलग अलग पैकेज वगैरह होते हैं, जैसे 3 लाख, 4 लाख, 5, 6, 7, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे सपोज करिए कि आपका 4 लाख का पैकेज है, ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि 4 लाख का पैकेज पे मैं प्लेस हुआ हूँ पहले। तो अब क्या होता है कि जैसे आप ज्वाइन कर लेंगे, तो विप्रो में एक साल का क्या होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है। तो मतलब ऐसे वो प्रोबेशन पीरियड भी कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, किसी किसी कंपनी में तो ऐसा होता है कि जैसे प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का होता है, लेकिन उनमें ये ऐसी रहती है कि जैसे आपकी प्लेसमेंट हुई, तो किसी किसी कंपनी में ऐसा भी होता है, ध्यान रखना, कि किसी किसी कंपनी में ऐसा भी होता है कि जैसे जब आपकी प्लेसमेंट हुई तब तो आपको पैकेज दिखाया गया कि आपका जैसे 4.5 का पैकेज है या 4 का पैकेज है, लेकिन जब आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग कराई गई तब आपको बताया गया कि जो आपका वो सब ऑलरेडी मेंशन रहेगा आपके ऑफर लेटर में, वैसा कुछ नहीं है कि आपको बाद में बताएंगे, आपके ऑफर लेटर में मेंशन रहेगा कि आपका इतने टाइम का प्रोबेशन पीरियड है और प्रोबेशन पीरियड में आपकी इतनी सैलरी रहेगी। जैसे कि आप 4 लाख के पैकेज के ऊपर प्लेस हुए, लेकिन आपको ऑफर लेटर में लिखा होगा कि आपका 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड है, तो जब तक आपका प्रोबेशन पीरियड चलेगा आपको पैकेज क्या रहेगा, 3 लाख रहेगा, मतलब 3 लाख के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। उसके बाद जैसे ही आप 7th मंथ में जाएंगे, आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हो जाएगा, तो आपका जो पैकेज है वो 3 लाख से 4 लाख में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियरली पता लग गया। तो वैसे यहाँ पे विप्रो में भी होता है कि विप्रो में क्या है, आपका एक साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। तो यहाँ पे समझ आपका पहली टर्म आपको प्रोबेशन पीरियड। अब उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे, लेकिन आपको ये फायदा है कि जितना आपको पैकेज पे आपको मतलब प्लेसमेंट मिली है, जैसे कि आपको 4 लाख के पैकेज पे आपको बताया था कि 4 लाख CTC है, 4 लाख के ऊपर आपको प्लेसमेंट मिली, तो आपको 4 लाख के ही पैसे मिलेंगे प्रोबेशन पीरियड में भी। ऐसा नहीं है कि वो आपको कम देंगे या ज़्यादा देंगे, जितने पे आपकी प्लेसमेंट हुई है उतने पैसे आपको प्रोबेशन पीरियड में मिलेंगे। उसके बाद जैसे आपको पहले बताया था ना कि उसमें बताया था कि 3 लाख के पैकेज, मतलब 4 लाख का पैकेज दिखाया, उसमें प्लेसमेंट ली, लेकिन दिया 6 महीने 3 लाख, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है विप्रो में। विप्रो में आपको पूरा एक साल के लिए जितने पैकेज पे आप प्लेस हुए 4 लाख, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। यहाँ पे भी ध्यान रखनी है कि 4 लाख क्या है, CTC है, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप CTC डिवाइडेड बाई 12 और आपको एक मंथ की सैलरी नहीं, इन हैंड सैलरी आपकी डिफरेंट रहती है। वो भी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया, जहाँ पे मैंने CTC, ग्रॉस सैलरी, नेट पे इन हैंड सैलरी, वो सब चीज़ें डिस्कस की हैं। अगर आपको अभी यहाँ पे टर्म समझ नहीं आ रही तो वो वीडियो जाके देख सकते हो, वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे समझ आ जाएगी ग्रॉस सैलरी क्या होती है, CTC क्या होती है। लेकिन यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे देख लिया कि जितनी आपको इस यहाँ पे विप्रो ने CTC दी है उसके हिसाब से ही आपको आपकी नेट पे मिलती रहेगी हर महीने, जितनी बनेगी CTC के हिसाब से नेट पे बनेगी उतने आपको पैसे मिलते रहेंगे, यहाँ पे कम ज़्यादा का कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जैसे ही आपका एक साल कंप्लीट होता है, जैसे मैंने ज्वाइन किया था अगस्त 2021 में, तो अभी अगस्त 2022 चला गया, तो मेरा एक साल कंप्लीट हो गया। एक साल कंप्लीट होते ही जैसे ही आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होता है, जैसे ही आपका बैंड चेंज होता है, तो आपको एक क्या मिलता है, एक कन्फर्मेटरी हाइक का मतलब क्या है, जो हाइक सबको मिलेगा, मतलब जिनका भी एक साल विप्रो में कंप्लीट हो गया, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, उनको एक कन्फर्मेटरी हाइक दिया जाता है। वो कन्फर्मेटरी हाइक की जो परसेंटेज, उसमें क्या होता है, एक तो आपका बैंड चेंज होता है, पहले आप क्या होते हैं, एज ए ट्रेनी होते हो, तो एज ए ट्रेनी कोई आप कुछ भी कह सकते हो, मतलब प्रोबेशन में होते हो, तो प्रोबेशन में जो आपका बैंड क्या रहता है, वो टीम रेनबो या कोई भी मतलब वो रहता है कि आप विप्रो के अभी प्रोबेशन पीरियड में हो, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं हो। एक साल कंप्लीट होती ही आपका क्या होता है, प्रमोशन होता है, प्रमोशन बैंड चेंज होता है, मतलब आप जैसे टीम रेनबो में से बैंड B1 में आते हैं, अभी B1 बैंड में आ गए, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रमोशन भी हो गई आपकी। उसके बाद आपको कन्फर्मेटरी हाइक मिला, कन्फर्मेटरी हाइक की जो परसेंटेज रहती है वो डिपेंड करती है 15% से लेकर 25% तक, वो आप कैसे डिपेंड
डिपेंड करेगी, जैसे आप किसी भी प्रोजेक्ट में टैग हैं तो प्रोजेक्ट में ना हर क्वार्टर में जो आपका मैनेजर है वो आपको एक रेटिंग देता है कि ये बंदा कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसको मैं कितना स्टार रेट करूंगा। तो एक साल कंप्लीट होने के बाद जो आपकी फाइनल रेटिंग होगी, जो आपकी फाइनल रेटिंग आपको मैनेजर ने आपको दी होगी, उसके रेटिंग के बेसिस के ऊपर आपको क्या मिलेगा, कन्फर्मेटरी हाइक मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे लेते हैं, जो रेटिंग होती है वो आउट ऑफ 5 होती है। रेटिंग किसमें से होती है? आउट ऑफ 5 होती है। अब उसमें क्या होती है, 1 स्टार रेटिंग, 2 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग, 4 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग। तो सबसे पहले बताता हूँ कि जैसे 5 स्टार रेटिंग है, 5 स्टार रेटिंग बहुत ही ज्यादा रेयर लोगों को मिलती है। जैसे पूरे प्रोजेक्ट में सिर्फ 1 या 2 लोगों को 5 स्टार रेटिंग मिलेगी, क्योंकि उसके लिए जो आपका मैनेजर होगा उसको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी प्रॉपर कि मैंने इसको 5 स्टार रेटिंग क्यों दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी मैनेजर इतनी बड़ी जस्टिफिकेशन या इतना बड़ा वो नहीं लेगा जब तक कि आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं। तो 5 स्टार रेटिंग तो आप सोचिए कि मतलब 0 to 1 या 1-2 लोगों को मिलती है इतने दे। तो जिसको 5% अगर बाई चांस किसी को मिलती है 5 स्टार रेटिंग बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करने पे, तो उसकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, 22% से लेके 25% तक का उसको हाइक मिलता है। कितना? 22% से लेके 25% तक का उसको हाइक मिलता है। ये हर चाल वेरिएबल होता रहता है इसलिए मैंने वेरिएबल में ही बताया, 22% से लेके 25% तक का उसको हाइक मिलेगा। तो अब अगर आप सोच सकते हैं कि अगर आपका पैकेज पहले कितना था, 4 लाख का था, और आपको 25% का हाइक मिला, तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ गई, 1 लाख रुपए बढ़ गई। तो मतलब आपका टोटल CTC कितना हो गया, 5 लाख हो गया। अब यहाँ पे भी ये ध्यान रखना कि 5 लाख डिवाइडेड बाय 12 करके सैलरी नहीं निकलेगी, वो आपकी CTC है। उसमें से भी आपकी डिडक्शन वगैरह होके आपकी इन हैंड सैलरी जितनी बनेगी वो वाली, वो आप कुछ दूसरी वीडियो देखेंगे जाके वहां से समझ आ जाएगी। तो जितनी डिडक्शन होकर आपकी सैलरी बनेगी उतनी बनेगी, ठीक है। तो ये तो रहा कि 5 स्टार रेटिंग हुई, आपका 25% का हाइक मिला आपको, तो आपकी सैलरी कितनी, 4 लाख का पैकेज कितने का होगा, 5 लाख का। अब वैसे ही आप सपोज करिए कि आपकी यहाँ पे आपको मैनेजर जो ज़्यादातर रेटिंग देते हैं वो कितनी देते हैं, अगर आप ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको रेटिंग मिलती है 3 स्टार रेटिंग। मैक्सिमम लोगों को मिलती है 3 स्टार रेटिंग। 3 स्टार रेटिंग पे कितना हाइक हो जाता है, तो रेटिंग के ऊपर ही हाइक डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे पहले हम 4 स्टार की बात कर रहे हैं। अगर आपको 4 स्टार मिली, 4 स्टार रेटिंग भी मिल जाती है लोगों को, उस पर भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी पड़ती, तो उस पर भी 4 स्टार रेटिंग में मिल जाती है। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपके सारी टीम के साथ अच्छे रिलेशन है, मैनेजर के साथ अच्छे रिलेशन है, तो आपको 4 स्टार रेटिंग में मिल जाती है। 4 स्टार रेटिंग में कितना हाइक मिलता है, उसमें आपको मिलता है 18% से 20% का हाइक, 18% से 20% का हाइक। तो मतलब अप्रॉक्सीमेट 75,000 का आपको मिल जाएगा। अगर आपको क्या बोलते हैं, आपको 25% का हाइक मिल रहा है, तो अप्रॉक्सीमेट 75,000 के आपका सैलरी बढ़ जाएगा। तो मतलब आपका पैकेज कितना हो जाएगा, 4 से 4.75 या 4.7 इतना पैकेज आपका हो जाएगा अगर आपको मिलती है 4 स्टार रेटिंग। उसके बाद अगर आपको मिलती है 3 स्टार रेटिंग, 3 स्टार रेटिंग ऑलमोस्ट सबको मिल जाती है, सारी टीम को, अगर वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे उसकी मैनेजर से कोई लड़ाई नहीं हो रही, ठीक ठाक बन रही है, काम भी वो ठीक ठाक कर रहा है, तो 3 स्टार रेटिंग उन सबको मिल जाती है। 3 स्टार रेटिंग पे आपकी सैलरी जो कितनी बढ़ती है, वो आपकी बढ़ती है 12% से लेके 15% तक। 12% से 15% के बीच बीच में आपको हाइक मिलेगा, कि वो डिपेंड करेगा ईयर के, वो प्री डिफाइंड होते हैं, कंपनी डिफाइंड करती है, हम पहले से नहीं बता सकते। तो उसमें 12% से 15% का हाइक मिलेगा। तो अगर आपको 15% का हाइक भी मिलता है, तो भी आपका पैकेज 4 लाख से 4.5 का अप्रॉक्सीमेट बहुत ईजिली हो जाएगा। तो वो भी आपके लिए एक बहुत अच्छा हाइक रहेगा, ऐसा नहीं है कि वो भी बुरा है, तो वो भी आपके लिए बहुत मतलब अच्छा हाइक रहेगा कि आपका पैकेज अप्रॉक्सीमेट 4 से 4.6 का हो गया। तो ऐसे करके एक साल के बाद आपकी सैलरी बढ़ जाती है। लेकिन उसके बाद उसके अगले साल जो आपके हाइक होंगे, वो आपका ना ही वो प्रमोशन हाइक होगा, ना वो आपका कन्फर्मेटरी हाइक होगा, वो आपका होगा एनुअल हाइक। तो वो आपका सिंगल डिजिट में रहेगा, वो भी डिपेंड करेगा आपकी रेटिंग के ऊपर, कितनी रेटिंग आपको मिल रही है, 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, उसके बेसिस के आपको कितना मिलेगा सिंगल डिजिट में, मतलब 5% से लेके 9% के बीच बीच में कोई भी हाइक मिल सकता है, 0 भी हो सकता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। वो अगर कोई हालत खराब है कंपनी की तो 0% हाइक भी हो सकता है, ठीक है। तो वो आपका लेकिन दे देते हैं इतना 5% से 9% के बीच बीच में हाइक, वो एनुअल हाइक में गिना जाता है। तो जो आपको बड़े हाइक मिलेंगे, जैसे यही 20% वाले, 25%, 30%, 40% वाले, यही का हाइक आपको कब मिलते हैं, जब आपकी प्रमोशन होती है। तो अब आप कह सकते हैं कि अब जैसे मेरी एक प्रमोशन तो होगी बैंड B1 पे, तो दूसरी प्रमोशन कैसी होगी, कब होगी? तो वो अप्रॉक्सीमेट आपके 3 साल के बाद होती है। जैसे आप 3 इयर्स कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपकी प्रमोशन के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, आपका अच्छा परफॉर्म करने, आपका मैनेजर चाहता है कि आपकी प्रमोशन हो, तब आपको जैसे आपका बैंड चेंज होगा B1 से B2, या अगर आप जैसे प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं फिर आप बनेंगे सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, तब आपको दोबारा से 30% से 30% की हाइक मिल जाती है। लेकिन पहले साल में आपको मैक्सिमम 25% की हाइक है, वो भी तब जब आपको मतलब 5 स्टार रेटिंग मिले। तो अपने काम के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान दें ताकि आपको अच्छी रेटिंग मिले, मिनिमम 4 की रेटिंग तो मिल ही जाए, तब आपका पैकेज अप्रॉक्सीमेट 18 से 20% के बीच में बढ़ जाएगा। मतलब 18% का हाइक तो पक्का मिल ही जाएगा मिनिमम, 20% का मैक्सिमम। तो देख सकते हैं अगर आपका 18% का हाइक भी होता है, तो आपकी अच्छी खासी सैलरी मतलब कि 60-70,000 रुपीज बढ़ जाएंगे, जिससे आपका पैकेज बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब कि पर मंथ तो वो कम ही होंगे, क्योंकि अगर आपका 60,000 भी बढ़ता है तो पर मंथ तो आपके 3,000 ही बढ़ रहे हैं ना, मतलब तो वो आपको कोई ज़्यादा वो नहीं करेगा, लेकिन ठीक है, फिर भी अच्छा है वो। तो वो आप अच्छे से मेहनत करें ताकि वो आपके बढ़ जाए।
तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।